आपकी जो जानकारी इनॉग्रेशन हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से छोटे छोटे व्यवसाय को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते आए, तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो स्टार प्लम्बिंग के कर्ता धर्ता हातिफ और साहिल को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और दुकान का लुक बहुत अच्छा है, मटेरियल्स क्वालिटी है, और मोदी जी के सपनों का भारत में अच्छी चीजें बननी चाहिए, अच्छी चीजें बिकनी चाहिए, और नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको खड़े होने के लिए जगह होनी चाहिए। और सरकार भी इन दिनों में बैंकों के माध्यम से नई नई योजनाओं को लाकर मदद करने का काम करती है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस दुकान की आज ओपनिंग करते हुए। मेरे 92 के साथी याकूब भाई मुझे आज बहुत दिनों के बाद मिले, हम एक ही वार्ड में रहते थे, लेकिन मेरा मतदार संघ बोरीवली था, लेकिन ये मुंबई से चुनाव लड़ते थे कॉरपोरेशन में। उन दिनों में जो बहुत नगर सेवक लोग बहुत अच्छी बातें करते थे, लोगों के मन की बात वहां पर रखते थे, उसमें से एक याकूब भाई है। तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे नए बच्चे इस प्रकार के व्यवसाय में जुड़े और अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर भारत की जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। पॉलिटिकल थोड़ा सा एक बात जो है, जिस तरह से दो दिन पहले यहाँ पे अपोजिशन ने इंडिया अलायंस करके जो पेश किया और उसके बाद चुनौती दे रहे हैं मोदी सरकार ने, देखिए किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देख, भारत एक बहुत बड़ा देश है और सत्ता पक्ष और विपक्ष का यह सिलसिला डेमोक्रेसी में सभी जगह पर होता है। और मैं मानता हूं कि चुनाव जब नजदीक आता है तो हर पार्टी के लोग अपनी ताकत लगाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग काम के आधार पर, हमारी नीति के आधार पर, किए हुए काम के आधार पर जनता के सामने जाएंगे, और वो भी अपने जो भी एजेंडा होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी उनका चेहरा होगा उसको लेकर जाएंगे। मैं इस प्रकार के मसलों में बहुत ज्यादा कभी पड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं काम करने में मानता हूं, पार्टी ने मुझे जो काम दिया है वो मैं काम करते रहता हूं। लेकिन हम वेलकम करते हैं जो भी अलायंस उनका हुआ है, और जब लड़ाई के मैदान में जब पहलवान अपने लेवल का होता है तो फिर थोड़ा लड़ाई में भी मजा आता है। पब्लिक को भी, पब्लिक ने तय तो किया है वोट किसको देना है, लेकिन सामने उम्मीदवार पहलवान थोड़ा तगड़ा होगा तो ये जो कुछ भी चुनाव के दिनों में जो संघर्ष चलेगा उसमें भी उनको लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन वी आर वेरी मच प्रिपेयर किए हुए काम के आधार पर, और हमारे देश का प्रधानमंत्री का जो चेहरा अपने सिर्फ देश में ही नहीं तो पूरे दुनिया में उन्होंने जो नाम कमाया है उसका लाभ चुनाव में निश्चित मिलेगा। अजय सर, आपको हमने सोशल कॉज करते हुए तो देखा ही है, साथ ही इस तरह की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी आप बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं, तो अंधेरी हो या क्या कहना चाहेंगे? निश्चित निश्चित, बहुत मेरे मन की बात आपने कही। मुझे जो भी ओपनिंग के लिए बुलाता है तो पहचान वाला है तो भी जाता हूँ, पहचान वाला नहीं होगा तो भी जाता हूँ। आपको हंसी आएगी सुनकर, कोई 11 महीने का लिवेन लाइसेंस पे दुकान लेता तो उसका भी उद्घाटन करने के लिए मैं जाता हूँ। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है व्यवसाय करने में, अच्छी बात है, क्या उसमें बिगड़ता है? बड़े लोगों के लिए तो बहुत सारे लोग है जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए बनाया है तो मैं जाता हूँ। ये तो आज बहुत अबाउ द स्टैंडर्ड का दुकान का ओपनिंग मैंने किया, लेकिन मैं सैलून का भी 11 महीने का भी कोई लेता है तो उसका भी ओपनिंग में जाता हूँ मैं। मुझे मजा आता है जाने में। हाँ जी, अजय सर आप क्या कहना चाहेंगे इस छोटे व्यवसाय के बारे में, और जिस तरह का बढ़ावा जैसे गोपाल सर ने कहा कि वो भी देते हैं और आप भी? जैसे गोपाल शेट्टी सर ने अभी अभी आपको कहा कि यंग बच्चों को, नौजवान बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए वो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब दुकान की ओपनिंग करते हैं तो अपने आप में ही वो बच्चों को बहुत बड़ा हौसला मिलता है। और मेरी ये बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अपने बिजनेस में काफी तरक्की करें। सर आप खुद प्रिंसिपल है स्कूल के, अगर आप इस तरह के छोटे व्यवसाय को जब आप बढ़ावा देते हो तो आपको लगता है कि जो बाकी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़? सचमुच ये जो बच्चे हैं जो खुद अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये अपने आप ही और बच्चों के लिए प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। भोपाल सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसे जब सोशल वर्कर्स भी जुड़ते हैं, सब जगह पर जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए कंपटीशन का जमाना है, और मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि इन दिनों में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे इस प्रकार के दुकान होते हैं, और चलाने वालों को एक बहुत बड़ा स्कोप, ऐसा मैं मानता हूँ।
आप प्रामाणिकता से दुकान ले लो, किसी का भी चलाओ उसको, उनका सही समय पे भाड़ा दे दो, जो भी आप माल बेचते हो ग्राहक के साथ में का अपना अच्छा संबंध बनाओ, तो फिर माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग आपकी होती है और फिर आपको प्रामाणिकता और परिश्रम अगर आप में है तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं अपने देश में। सर ऐसे प्लेटफॉर्म तो आप लोगों को भी यूज में आ जाते हैं? निश्चित ना, देखिए आखिर अभी मैं इस दुकान का ओपनिंग के लिए आया तो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा, लोग चर्चा करेंगे, गोपाल चिट्ठी आकर गए, उद्घाटन किया, अच्छा लगता है, ये गिव एंड टेक है, इट्स अ ज्वाइंट वेंचर आई विल से। और मैं यहाँ पर आया तो मैंने कोई इनके ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी किया ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया तो कम से कम चारकोप में लोगों के सामने आने का तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सर अच्छा लगता है सुन के कि मतलब आपको जो मौका मिलता है आप निश्चित निश्चित जो बात सही है वो है ना, उसमें क्या है। यस थैंक यू थैंक यू। अजय सर और एकता मंच जिस तरह का इनिशिएटिव लेते आए हैं उसके लिए क्या क्या मैसेज होगा आपकी तरफ सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं अजय सर भी जब मैं कॉरपोरेशन में था तो किसके पहचान से आए थे मुझे पता नहीं, लेकिन आए और उनका छोटा मोटा आप लेकर आए थे, उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, फिर वो दुकान वो कॉलेज में मुझे लेकर गए, उसका ओपनिंग मुझसे करवाया, उनके माता पिता किसके डैडी के नाम पर एक रोड का ओपनिंग हुआ तब भी मुझे उन्होंने याद किया, मतलब ये भी एक क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जिसको कह सकते हैं कि आपने किसी के साथ में जुड़ गए तो उसको बहुत लंबे समय तक अपना नाता जोड़े हुए रखना, ये मानता को मैं मानता हूँ कि भी बहुत बड़ी बात है। यकूब भाई को पता चला गोपाल शेट्टी आ रहे हैं तो 92 के हम साथी है तो भी आ गए, तो रिलेशन ये सबसे बड़ा एक एसेट है ऐसा मैं मानता हूँ, और ये रिलेशन वाला एसेट आप कब बना सकते हो, आप प्रामाणिक हो, आप परिश्रम करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली बनते जाता है, ग्रोथ है, जैसा पैसा आप ग्रो करते हो वैसा आप रिलेशन भी ग्रो करो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी मैं कहूंगा, एसेट ही है ये। ठीक है, थैंक यू।